मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी ब्रांच से है। हिस्टोपैथोलॉजी किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी डिजीज टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। तो उस टिश्यू के कलेक्शन करने का के प्रोसेस को बायोप्सी बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डिजीज टिश्यू फ्रॉम लिविंग बॉडी नोन एज बायोप्सी। बायोप्सी का मीनिंग क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डिजीज टिश्यू फ्रॉम लिविंग बॉडी। तो डिजीज टिश्यू का कलेक्शन लिविंग बॉडी से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका तरीका क्या होता है? तो इसका जो कलेक्शन करने का तरीका है उस पर बात हम लोग आगे कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आखिर बायोप्सी करने की जरूरत क्यों पड़ती है। बॉडी से किसी भी ऑर्गन क्यों हम लोग डिजीज टिश्यू की कलेक्शन क्यों करते हैं? तो सबसे पहला उसको ये जानने के लिए कि वह किस तरह का अबनॉर्मलिटी है उसमें, आखिर कोई मास हो या विदाउट मास। तो विथ मास कौन कौन सा होता है जिसमें ऑर्गन डैमेज होती है या ऑर्गन में अबनॉर्मलिटी होती है? विथ मास हो सकता है कि वो कैंसरस भी हो, नॉन कैंसरस भी हो। तो पहला है मास वाले कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि जिसमें मास हो, अबनॉर्मल मास, जैसे कि सबसे पहला इसमें कैंसरस मास होती है। कैंसरस, तो कैंसरस मास में क्या होती है कि अबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, अबनॉर्मल ग्रोथ होगी, और इमेच्योर सेल्स वहां पर क्या होगी, बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन को फिक्स नहीं होगा। दूसरा होता है नॉन कैंसरस मास में क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या होगी, जैसे कुछ सेल जो होती है यहाँ पर इस तरह से ग्रो करता है और ग्रो करके लिमिट एरिया में रह जाता है, एक हो गया ये आपका बेनाइन मास हो गया, बेनाइन ट्यूमर मास इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर मास। दूसरा जो मास आता है नॉन कैंसरस में, जैसे उसमें क्या होता है कि सेल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो ये भी एक मास का फॉर्म लेता है। जैसे ये पॉलिप बन जाएगा, ये पॉलिप बनकर क्या होता है, मास का फॉर्म लेता है, ये भी आता है क्या, ये नॉन कैंसरस मास भी बोलते हैं। इसके बाद नॉन कैंसरस मास में क्या होता है, फिर कुछ डिजनरेटेड सेल जो होते हैं वो डिजनरेटेड सेल्स क्या पर डिजनरेट होकर के और उसके बाद ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, तो यह भी क्या हो गई, यह भी एक मास बनता है। नॉन कैंसरस मास में क्या होती है फिर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई गैलोमा हो, गैलोमा में फाइब्रस टिश्यू बाहर की तरफ हो, उसके बाद जेड सेल हो, एपिलिम्फॉइड सेल्स हो, एपिथेलियोइड सेल्स हो, अंदर में नेक्रोसिस टिश्यू हो, तो इस तरह से क्या होगी, एक मास यह भी होता है। इसको ट्यूबरकल या ग्रेनुलोमा कहते हैं, ग्रेनुलोमा भी कहते हैं इसको लोग, या ट्यूबरकल बोलते हैं। इस तरह से अब मास जो बनती है वहां पे हो सकता है कोई फाइब्रोसिस हो चुका हो, फाइब्रोसिस, दूसरा कैल्सिफिकेशन, उसके बाद फैटी चेंजेज। इस तरह से क्या होती है कि नॉन कैंसरस मास डेवलप करता है। इसके बाद क्या होती है, तो ये तो अभी मास के बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मास होते हैं, इसके बारे में हमें पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग अगर मास के बारे में पता नहीं लगाएंगे तब तक हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो कैंसरस मास हो गए, कैंसरस मास में क्या होती है कि जिसमें इमेच्योर सेल्स मिलेगी उसमें, नॉन कैंसरस मास में क्या होगी, या तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सेल्स ग्रोथ मिलेगी, हाइपरट्रॉफी सेल्स मिलेगी, डिजनरेटेड सेल्स मिलेगी, ग्रैनुलोमेटस सेल्स मिलेगी, नेक्रोसिस सेल्स मिलेगी, वहां पर सिस्टिक सेल्स मिलेंगे, कैल्सिफाइड सेल्स मिलेंगे, फैटी सेल्स मिलेंगे। तो ये अबनॉर्मल बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होती है मास, जिसको हम लोग अलग बात करेंगे वहां पे, यहाँ तो सिर्फ हम लोग चल रहे हैं मास के बारे में। उसके बाद नॉन मास के बारे में क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे अंदर में गैंग्रीन हो गया हो, गैंग्रीन है, कहीं पे क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसमें, ठीक है, या फिर वहां पर एस्क्लेरोसिस हो, तो इस तरह से क्या होती है कि अगर बॉडी में सपोज दैट अगर ऐसा भी कंडीशन डेवलप होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग बायोप्सी से ही डिटरमिनेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होती है कि ये हो गया एम। तो एम क्या हो गई कि बॉडी में जो भी ऑर्गन्स कोई डैमेज हो रही है
या तो उसमें कोई मास डेवलप हो रही है, मास नहीं बन रहा है उसमें, तो उस तरह के हम लोग डिजीज को पता लगाने के लिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं। अब जो बात आते हैं इसका जो मेथड ऑफ कलेक्शन, इसका क्या क्या होता है, इसको कैसे कैसे हम लोग कलेक्शन को हम लोग कैसे पता लगाते हैं इस वालों, तो इसका कलेक्शन का जो तरीका होता है, इसको चाहे वो कैंसरस हो या नन कैंसरस हो या फिर विदाउट मास हो, नन मास वहाँ पर ऑर्गन डैमेज कभी हुआ हो वहाँ से भी तो हम लोग करते हैं ना, ये जोड़ी पर पता लगाने के लिए कि किस वजह से वो ऑर्गन वहाँ पे डैमेज कर गई है, तो सारे कंडीशन में उसको आएंगे। अब इसके लिए क्या है ना, इसका तरीका क्या है, सबसे नंबर वन आता है स्वाब मेथड। तो स्वाब किसको बोलते हैं कि ऐसा कंडीशन, ऐसा कोई ऑर्गन हो कहीं पे, तो ऐसा कोई ऑर्गन हो उस ऑर्गन से क्या हो रही है, मान ली सपोज दैट यहाँ पर यूट्रस है ये और यहाँ पर क्या यूट्रस है और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है, कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रही बाहर की तरफ। तो जब हम यहाँ से जब सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जब इस डिजीज टिश्यू का कलेक्शन जब करते हैं हम लोग कॉटन स्वाब से जब करते हैं हम लोग, तो कॉटन स्वाब से जब इसका कलेक्शन कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वाब मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला जोड़ी होना चाहिए कि डिस्चार्ज बाहर की तरफ होना चाहिए। मान ली सपोज दैट ये बॉडी का ऑर्गन्स है और यहाँ पे सपोज दैट ये बोन है, यहाँ बोन है इसका और यहाँ पर स्किन है और अंदर से ये उजी होकर बाहर आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग स्वाब करेंगे यहाँ पे, तो अंदर में कोई मास हो या कुछ भी हो डिजीज हो लेकिन डिस्चार्ज तो हो रही हो ना, तो इसमें क्या होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्चार्ज होना जरूरी है। तो उस कंडीशन में कौन सा मेथड से करेंगे लोग, स्वाब मेथड से क्या करेंगे लोग, एक ऑटर लेकर के हम लोग वहां सैंपल ले लेते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे स्वाबिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा जो आता है इसमें भी क्या होती है कि सैंपल को लेकर के क्या करेंगे, स्लाइड पे रखेंगे हम लोग, एक स्लाइड पे रख करके और उसको एसमियर बना देंगे यहाँ पे, एसमियर बना करके उसको फिक्सेटी में डाल देते हैं हम लोग, अब फिक्सेटी में डाल करके आप फिर उसको स्टेन कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। तरीका होती है बताएंगे आगे बताएंगे टिश्यू प्रोसेस में कि इसको सैंपल को लेकर के फिक्सेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कौन सा सेल है उसमें। तो एक तो हो गया मेरा क्या यहाँ पे पहला है स्वाब मेथड, दूसरा जो आता है वहां पर स्क्रैपिंग मेथड होता है। स्क्रैपिंग मेथड, स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, खरोच करके वहां से लेते हैं। मान ली सपोज दैट यही अगर डिजीज था यहाँ पे, यही डिजीज अगर बाय द वे डिस्चार्ज होकर नहीं निकलता है अगर सपोज दैट, तो इसको क्या करेंगे लोग खरोच के यहाँ से ले लेते हैं, है ना, आता है वुड स्केपला करके आता है, उससे बोला स्पेचुला करके आता है वुड स्पेचुला, या फिर क्या करते हैं स्क्रैपिंग का आता है, या फिर अगर स्किन से लेना हो अगर, तो स्किन से लेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे बायोप्सी करते हैं, स्क्रैप करके क्या करते हैं यहाँ से ब्लेड से बायोप्सी करेंगे, ब्लेड से खरोचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे लोग स्क्रैपिंग बोलते हैं, स्क्रैपिंग मेथड बोलते हैं। इसको भी क्या करते हैं लोग स्लाइड पे रख करके इस तरह से और इसको स्क्रैपिंग कर लेते हैं, स्क्रैपिंग करके बाद में इसको स्टेन करके और माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं लोग इसको देख लेते हैं। ये था मेरा क्या दूसरा स्टेनिंग मेथड। तीसरा जो आता है वह है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड आता है। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि तीन तरह से होता है, पहला होता है FNAC, दूसरा होता है कोन बायोप्सी और तीसरा होता है सर्जिकल बायोप्सी। तीन तरह से होता है, तो पहला हो गया FNAC। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी मतलब बॉडी में कहीं पे ऑर्गन पे कोई और जैसे मान लीजिए सपोज दैट यही ट्यूमर अगर बाद में यहाँ पे होता है ट्यूमर अगर हम लोग नहीं निकाल पाते यहाँ से, तो इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नीडल पंक्चर करके या फिर बॉडी के सरफेस पे यहाँ पे होता है सपोज दैट ट्यूमर, यहाँ पे ट्यूमर होता तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग डायरेक्ट नीडल को पंक्चर करके और बाहर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से FNAC की जाती है, एक होता है डायरेक्ट हम लोग लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग मास से क्या करते हैं कलेक्शन कर लेते हैं, दूसरा क्या होता है इमेजिंग के सहारे, अल्ट्रासोनोग्राफी के सहारे या फिर CT scan के सहारे, MRI के सहारे, इंडोस्कोपी के सहारे, किसी भी सहारे क्या करते हैं ऑर्गन से हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे मास हो जहाँ पे डिजीज हो वहां से नीडल को पंक्चर करके वहां से कलेक्शन करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, और कलेक्शन करके फिर उसे ही स्लाइड पे रख करके और फिर हम लोग टिश्यू प्रोसेस में डाल देते हैं, एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कोन बायोप्सी होता है, कोन बायोप्सी होता है सर्जिकल का एक पार्ट होती है, उसमें क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को जैसे मान ली यहाँ पे कुछ पार्ट हो गई, इस पार्ट को क्या करते हैं यहाँ पे डिजीज है
तो क्या करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा एनेस्थेसिया देकर के और यहाँ से थोड़े से पार्ट को हम लोग कटिंग करते हैं, थोड़ा सा पार्ट को क्या करते हैं इस तरह से कटिंग करते हैं। तो ऐसा कट कर करके अब क्या करते हैं लोग, कुछ मांस को निकालते हैं वहाँ पे, कहीं से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ग्लैंड हो यहाँ से निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट पे ग्लैंड हो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कहीं से बात यहाँ, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा सेल से हमें पता नहीं चल पाता है, तो ज़्यादा सेल की आवश्यकता होती है टिश्यू को, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ऐसे हम लोग सर्जरी से काट करके और निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको पता लगाते हैं। ये था मेरा सर्जिकल कोन बायोप्सी बोलते हैं हम लोग उसको। एक होता है तीसरा जो होता है वह सर्जिकल बायोप्सी बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पूरे ऑर्गन को ही निकालना पड़ता है, ऑर्गन को निकाल करके अब तब जब जांच किया जाता है, कब वो कब करेंगे पोस्ट ऑपरेशन के लिए, यानी कि ऑपरेशन के बाद उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वो जोड़ी होता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और डिजीज हो, ट्यूबरक्लोसिस के बाद डैमेज हो तब ट्यूबरक्लोसिस में डिजीज चलेगा, कैंसर से होगा तो कैंसर ट्रीटमेंट चलेगा, कोई और होगा तो उसके तरह ट्रीटमेंट चलेगा। तो जैसा वो ऑर्गन डैमेज होता है जिस तरह से उसे दवा चलाते हैं, तो ये ऑपरेशन के बाद जो होती है उस कंडीशन में उस ऑर्गन को भेजा जाता है कहाँ पे, लैब में, अब तब उसका उसका जांच होती है, तो इसको बोलेंगे सर्जिकल बायोप्सी। तो इस तरह से क्या होती है कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन डैमेज होता है उसके लोग अलग अलग मेथड से उसको क्या करते हैं बायोप्सी करते हैं। यही था मेरा बायोप्सी करने का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इसका टिश्यू प्रोसेस के बारे में चलेंगे कि हम लोग इसको कैसे हम लोग टिश्यू प्रोसेस करते हैं, फिर स्टेनिंग करते हैं, फिर हम लोग कैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और बस वही बताएं एम वही है कि ऑर्गन का एब्नॉर्मलिटी देखना है, क्योंकि जब तक हम ऑर्गन एब्नॉर्मलिटी नहीं देखेंगे तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। खास करके होम्योपैथिक में सबसे ज्यादा जरूरत होता है मांस को देखना, क्योंकि एलोपैथ में तो बस मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है सर्जरी करके रिमूव कर देना, कैंसर है तो उसको केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करना, लेकिन होम्योपैथ में तो कम से कम डिजेनरेटेड सेल होगा तो अलग मेडिसिन देंगे, पॉलिप होगा अलग मेडिसिन देंगे, बेनाइन ट्यूमर होगा अलग चलाएंगे, कैंसरस होगा अलग देखेंगे कोशिश करेंगे, फाइब्रॉइड होगी, फैटी होगी, कैल्सिफाइड होगी, ट्यूबरकुलाइड होगी, हर के लिए क्या होती है मेडिसिन अलग अलग होती है, ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कम से कम होम्योपैथिक में इस बायोप्सी को बहुत ज़्यादा हमको रखना चाहिए इंपॉर्टेंस, खास करके मांस के केस में, या फिर अगर कोई नए मांस हो उस केस में भी। बाकी बात हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।